अब तक हमने दो चरों में रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में आप बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आपको द्विघात बहुपद के बारे में याद है? क्या आप बता सकते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा? शाबाश, एक द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका व्यापक रूप ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी होता है। तो चलो अब हम द्विघात समीकरण को समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होगा? द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी के लिए, जब द्विघात बहुपद को किसी भी अचर के बराबर रखते हैं तब ये बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए शून्य नहीं हो सकता है। आइए इस निष्कर्ष के आधार पर द्विघात समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। मोहन के पिताजी उससे 22 वर्ष बड़े हैं। 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 270 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु की समीकरण क्या होगी? माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसके पिताजी की वर्तमान आयु x जमा 22 वर्ष होगी। 3 वर्ष पश्चात मोहन की आयु x जमा 3 वर्ष और पिताजी की आयु x जमा 22 जमा 3 यानी कि x जमा 25 वर्ष होगी। अतः उनकी आयु का गुणनफल बराबर x जमा 3 गुणा x जमा 25। हल करने पर 270 बराबर x की घात 2 जमा 28x जमा 75 मिलता है। हम देखते हैं कि दायां भाग द्विघातीय बहुपद तथा बायां भाग अचर पद में है। प्राप्त हुई द्विघात समीकरण के अचर पद को हल करते हैं। हल करने पर x की घात 2 जमा 28x घटा 195 बराबर 0 मिलता है। अतः मोहन की वर्तमान आयु समीकरण x की घात 2 जमा 28x घटा 195 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। इस वीडियो में आज हमने द्विघात समीकरण व द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में पढ़ा। हमने आज जो वीडियो में सीखा उसका अगली वीडियो में कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा अभ्यास करेंगे।